हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे केक को डेकोरेट करने की एक बहुत ही नई, यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जहाँ पे हम छन्नी की हेल्प से बड़े ही क्रिएटिव तरीके से हमारे केक को डिज़ाइन करेंगे। और साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं छन्नी को लेकर के केक के टॉप पे रख के उठा देने वाली, बार बार डैप करने वाली कोई भी यूजलेस चीज़ नहीं शेयर कर रही हूँ। हम यहाँ पे प्रॉपर और यूनिक केक डेकोरेशन ट्रिक शेयर करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं केक डेकोरेशन। तो गाइज, आज का हमारा केक डेकोरेशन के लिए मैंने प्लेन वनीला केक बनाया था बहुत सारी टूटी फ्रूटीज़ के साथ। तो इसके लिए मैंने 6 इंच के केक टिन में इको बेक डाला है, क्योंकि इको बेक होता है नॉन स्टिक, रीयूजेबल और इको फ्रेंडली, इसीलिए बहुत आराम से केक निकल आता है बेक होने के बाद इसे यूज़ करने पे। साथ ही गाइज, मैंने अगारो के इम्पीरियल डिजिटल OTG में ये केक बेक किया है, क्योंकि इसमें प्रीसेट मेन्यू होता है, इसलिए बस सिंपली वही प्रेस करके अपने आप ही केक बहुत ही बढ़िया बेक होकर तैयार हो जाता है। और जैसे ही केक ठंडा हो गया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने केक की प्रॉपर फ्रॉस्टिंग कर ली है और क्रम कोट कर लिया है इसको। नाउ फ्रेंड्स, एक स्पैचुला भर के क्रीम मैंने एक अलग बोल में ली है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रेडिएंट ग्रीन जेल फूड कलर के कुछ एक ड्रॉप्स, और इसको हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे आप जेल फूड कलर की जगह पे लिक्विड फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट दैट मिक्सिंग के तुरंत बाद आप इसे यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज रनी हो सकती है क्रीम। जेल कलर से क्रीम कभी भी रनी नहीं होती है। और अभी इसी ग्रीन कलर की क्रीम को हम हमारे केक के बॉटम पे, हाफ से थोड़ी सी कम जगह पे, केक के साइज़ पे हम इसे अप्लाई करते चले जाएंगे। और जैसे ही ये कवर कर लेता है साइज़ को, हम लेंगे एक केक स्क्रैपर या फिर क्लीन कार्ड, और इसको केक के साइज़ पे रख के हम सिंपली केक के साइज़ को स्मूथ कर देंगे। और हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे हमने ग्रीन कलर की क्रीम लगाई थी ना, वहाँ पे ग्रीन एक पैच सा बन गया है, ग्रीन पट्टी सी बन गई है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। और अभी हम केक के टॉप को एक स्पैचुला की हेल्प से साइड से सेंटर की तरफ लाते हुए स्मूथ कर देंगे। तो केक की बेसिक फ्रॉस्टिंग होके है बिल्कुल रेडी। अभी एक अलग बोल में मैंने फिर से एक बड़ा स्पैचुला भर के क्रीम ली है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ एक ड्रॉप्स पिंक जेल फूड कलर के। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया पिंक कलर, आप थोड़ा कम डालिएगा। और हल्का सा मैंने मिक्स किया इस कलर को, और अभी मैंने पिंक कलर की क्रीम को ट्रांसफ़र कर लिया है 126 नंबर वाले नोजल कोन में। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर्स बनाने के लिए नेल ली हुई है, आप चाहें तो फ्लैट बेस वाला बोल या फिर ग्लास भी ले सकते हैं। और ये देखें, नेल पे मैंने पहले थोड़ी सी क्रीम रखी हुई है बेस देने के लिए, और अभी नोजल का धसा हुआ हिस्सा ऊपर की तरफ रख के और थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हिस्सा नीचे की तरफ रख के, ये देखिए उल्टा यू के जैसा हम टर्न कर रहे हैं हमारी नोजल को। और इसी तरह से ये देखिए एक पेटल बन गई फ्लावर की, फिर पहली पेटल के ही साइड से हम दूसरी पेटल उल्टा यू के शेप में बनाएंगे, और इसी तरह से जब तक कि हमारा फ्लावर का शेप नहीं बन जाता, हम 5 या 6 पेटल्स बना लेंगे क्रीम की। एंड लुक एट दिस गाइस, फ्लावर बन गया है, कंप्लीट नहीं बनाया अभी, ये हाफ फ्लावर बनाया अभी गाइस। तो हम सीजर की हेल्प से इस फ्लावर को उठा करके नेल से केक के ऊपर प्लेस कर देंगे। और बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमें कुछ एक फ्लावर्स और बना लेने हैं, तो करीब 6-7 फ्लावर्स बना लीजिएगा गाइस, क्योंकि हमें थोड़ा बंच ऑफ फ्लावर के जैसा क्रिएट करना है, जैसे वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं। और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस है ये फ्लावर बनाना, अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो हम वेरी श्योर फर्स्ट टाइम में ही बना लेंगे। तो ये देखिए गाइस, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इस तरह से करके हमने ऑलमोस्ट बंच ऑफ फ्लावर्स बना के रख लिए हमारे केक के ऊपर एक साइड में। तो फ्रेंड्स, आगे की डेकोरेशन के लिए हमने यहाँ पे ली हुई है छन्नी। तो फ्रेंड्स, किसी भी तरह की छन्नी आप ले सकते हैं, बड़ी वाली छन्नी, प्लास्टिक वाली छन्नी, छोटी वाली छन्नी। तो यहाँ पे मैंने बड़ी वाली छन्नी आज ली हुई है। और ये देखिए, इस छन्नी पे मैं सबसे पहले थोड़ी सी येलो क्रीम ड्रॉप कर दे रही हूँ, और उसके बाद जो ग्रीन क्रीम हमारी रखी हुई थी ना, जिससे हमने केक के बॉटम के साइज को कवर किया था, वही थोड़ी सी ग्रीन क्रीम भी इस येलो क्रीम के आसपास मैं डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया हुआ है स्पैचुला, और स्पैचुला से हमने प्रेस कर दी है ये क्रीम। और ये देखिए छन्नी के बैक साइड पे कितना अच्छा सा ये इफेक्ट सा क्रिएट हो गया है, जैसे सी ग्रास होता ना, वैसा सा एक इफेक्ट सा बन गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक नाइफ या स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा ये सी ग्रास उठाएंगे, येलो पोर्शन उठा सकते हैं या ग्रीन पोर्शन उठा सकते हैं, और इस पोर्शन को उठा करके हम ले जा करके हमारे जो फ्लावर्स बने ना, उनमें से एक फ्लावर के सेंटर पे प्लेस कर देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना अभी केक फ्लावर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो इनको कंप्लीट करने की ये है ट्रिक। और ये देखिए छन्नी वाली ग्रास पिक को जैसे ही हमने फ्लावर के सेंटर पे रखा, फ्लावर हमारा कंप्लीट लगने लगा है, बहुत नेचुरल लगने लगा है। साथ ही फ्रेंड्स, केक को डेकोरेट करने की अगर ये ट्रिक आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली से, और क्लासी भवा किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन ताकि मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। तो गाइस, ज़्यादातर ग्रीन कलर के मैंने सेंटर इफेक्ट दिए हैं, तो इसीलिए अभी
थोड़ी सी येलो क्रीम मैंने फिर से ले ली है छन्नी में, और इसको भी मैंने स्पैचुला की हेल्प से प्रेस किया, तो ये देखिए बैक साइड पे येलो कलर का हमारा इफेक्ट क्रिएट हो गया है, ग्रासी इफेक्ट। तो अभी येलो कलर की क्रीम उठा उठा कर अपने फ्लावर्स के सेंटर पे रखते चले जाएंगे। एंड लुक एट दिस गाइस, बहुत बढ़िया लग रहे हैं ये इफेक्ट के साथ में फ्लावर्स। तो अभी मैंने सेम ग्रीन क्रीम को ट्रांसफ़र कर लिया है एक लीफ नोजल वाले पाइपिंग बैग में, और ये देखिए वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम हमारे केक के किनारे पे पहले लंबी सी दोनों साइड से पत्तियां बनाएंगे, और उसके बाद छोटी छोटी पत्तियां बाकी फ्लावर्स के साथ में बना लेंगे। और जो बचा हुआ वाइट पोर्शन है वहाँ पे मैं थोड़े से सिल्वर कलर के शुगर स्प्रिंकलर्स स्प्रिंकल कर ले रही हूँ, थोड़े से बड़े थोड़े से छोटे। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, हमारा केक डेकोरेट होके कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी से हमने इसको डेकोरेट किया है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत डिज़ाइनर केक लग रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से केक को डेकोरेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।